आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि का विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस समर्थक सोमवार को आसनसोल कल्याणपुर HLG अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यह कार्यक्रम ममता बनर्जी के निर्देशन में 7 से 13 तारीख तक चलेगा। आंदोलन किया गया। वार्ड नंबर 22 बूथ के तृणमूल समर्थक शामिल हुए सभा में और प्रतिवाद रैली में। 7 से 13 तारीख तक चलेगा यह कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन किया केंद्र सरकार के खिलाफ। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के परिणाम स्वरूप खाने और पीने की सामग्री की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही है। समस्त रोजमर्रा की चीजों की कीमत आसमान छू रही है। हर घर में लोग समझ गए हैं मोदी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। लोगों ने काफी उम्मीद के साथ मोदी सरकार को वोट देकर जिताया है ताकि लोगों को राहत की सांस मिल सके, पर वो भी गलत साबित हुआ है। इसलिए सोमवार को वार्ड 22 में हर कोई, खासकर महिलाएं बुजुर्ग ने ममता बनर्जी के आंदोलन में शामिल हुआ और समर्थन किया। आसनसोल से उज्ज्वल दास गुप्ता की रिपोर्ट। पश्चिमबंग हमारे नेत्री ममता बंदोपाध्याय जो कर्मसूची पालन करते बोले 6 तारीख से आज के 13 तारीख पर्यंत আমরা আমাদের 22 নম্বর ওয়ার্ড বুথ ভিত্তিক সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছি এবং এটা আমাদের 13 তারিখ পর্যন্ত এই আন্দোলন থাকবে চলা। আমরা দেখতে পেয়েছি হুহু করে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে। এই পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়া মানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে, জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেছে। মানুষ যে আশা নিয়ে মোদী সরকারকে নির্বাচিত করেছিল, আজ ঘরে ঘরে তারা বুঝতে পেরে গিয়েছে যে আর মোদী সরকারকে রাখা চলবে না। তাই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছেন এই 22 নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা থেকে শুরু করে আজকে প্রত্যেকটা মানুষ মমতা ব্যানার্জির এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে আগামী দিন আমরা কেন্দ্র থেকে আমরা বিজেপি সরকারকে উৎখাত করতে পারবো, এ আশা নিয়ে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছি। আজকে আবার প্রেস এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ভাই যারা এসছে তাদেরকে আমি তৃণমূল কংগ্রেসের 22 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে এবং আমি ব্লকের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রত্যেককে আমি আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।